वेलकम टू द चैनल दोस्तों। जी हाँ, आपने जो थंबनेल देखा है वो बिल्कुल सही है। चाइना में अब जो टीनेजर है जिनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 घंटे ही मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। साथ ही चाइना के जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनको माइनर मोड प्रोग्राम लाने के लिए कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनर मोड प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम से स्मार्टफोन कंपनियां ऐसे टीनेजर को ट्रैक कर पाएगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और इस प्रोग्राम के तहत रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल फोन्स पे से टीनेजर को इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐसे टीनेजर जिनकी उम्र 18 साल से कम है के मोबाइल पे इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी रात में। इसके साथ साथ अगर टीनेजर की उम्र 16 से 18 साल के बीच है तो ऐसी टीनेजर दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर चाइना में किसी भी टीनेजर की एज 16 से कम मतलब 8 साल से 16 साल के बीच है तो वो सिर्फ दिन में 1 घंटे ही मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल से भी कम है तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट है मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। मतलब चाइना में जो भी बच्चे 8 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए सिर्फ 8 मिनट से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी ये पूरी तरह से चाइना में लागू नहीं हुआ है, अभी 2 सितंबर तक का समय दिया गया है ताकि इसमें कुछ भी चेंजेज अगर करना हो तो कर सकें। इसके लिए बच्चों के पेरेंट्स की सहमति मांगी गई है। वो देखते हैं 2 सितंबर तक इसमें कोई अपडेट आता है या नहीं आता है। हालांकि जब से ये न्यूज़ आई है तब से चाइना की जो सोशल नेटवर्किंग ऐप है वीचैट, उनके शेयर में अब तक 3% की कमी आ चुकी है। हालांकि यह नियम इसीलिए लाया गया है क्योंकि चीन में जो युवा हैं उनके इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से मायोपिया की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए इस रूल को लेकर आई है ताकि जो युवा हैं वो रात्रि में इंटरनेट इस्तेमाल ना कर पाएँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ, जो ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं चाइना ने उस पर भी आज से 2 साल पहले ही रोक लगा दिया था। जो भी टीनेजर चाइना में 18 साल से कम है वो वीडियो गेम के प्लेयर्स नहीं बन सकते हैं। मतलब सीधी बात है, अगर आप वीडियो गेम के प्लेयर हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप वीडियो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि इस न्यूज़ से चाइना की वीडियो गेम्स कंपनियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। आपको क्या लगता है, ऐसे कोई नियम इंडिया में भी आने चाहिए क्या? हमारे देश में भी बच्चों को और यूथ को इंटरनेट से दूरी बनाकर रखना चाहिए? आप अपना विचार को कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसे ही साइंस के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।